नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा चालक की स्थिति जुड़ जाए। इससे पहले भी मैं दो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। पहला जो टॉपिक है आप लोग पढ़े होंगे चालक की धारिता, और चालक की धारिता के बाद सेकंड टॉपिक में आपको गोलाकार चालक की धारिता मिला होगा। आज का जो नया टॉपिक है वो है चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो ये इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे दो वीडियो को भी देख लीजिएगा, तब आपको पूरी एक सीरीज में देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर, चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अगर इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि अगर कोई चालक है, जैसे मैं फिगर के थ्रू ही आपको बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि अगर कोई, आप कल्पना करें कि यहाँ से अगर हम समझे कि अगर कोई चालक है और किसी चालक को अगर हम लोग, ये आप देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम कोई भी, जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर हम कोई भी चालक ले लें, मैं फिगर के थ्रू ही दिखाऊंगा, अगर हम किसी चालक को लेते हैं, ठीक है, आप कल्पना करें कि ये क्या है दोस्तों, चालक है, क्या है, एक प्रकार का चालक है। मैं छोटे छोटे में लिख दे रहा हूँ, चलिए थोड़ा समय बड़ा कर देता हूँ, इस फिगर को ही बड़ा बनाता हूँ, फिगर में आपको बड़ा बनाऊँगा तब आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं एक बड़ा सा, हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक गोला है जो क्या है, एक चालक है। और मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जब किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है, यानी चालक को जैसे ही क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेश के देते ही यह जो आवेश होता है उसके चारों तरफ फैलने लगता है। यानी अगर हम इन आवेशों को दिखाना चाहें तो किसी चालक को आवेश देने पर कैसे आवेश को तल को दिखाते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि आवेश के तल को कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, ये जो तल है ऐसे दिखाया जाता है। यानी अभी मैं समझा रहा हूँ कि किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो उस चालक का तल लगातार बढ़ता जाता है, और उसको डिनोट करने का तरीका यही है। तो आप दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई चालक है जिसको अगर क्यू आवेश दिया गया, तो उस चालक को जैसे जैसे आवेश दिया जा रहा है, क्यू आवेश दिया जा रहा है, उसका तल, ये जो डैश वाली लाइनें दिख रही है गोलाकार, ये लगातार बढ़ता जाता है। और चूंकि जैसा कि आपको पता ही है कि आवेश पॉजिटिव होगा या निगेटिव, यानी किसी चालक को आवेशित करने के दो मेथड हो सकते हैं, या तो उसको धनावेशित किया जाएगा या उसको ऋणावेशित किया जाएगा। तो वहाँ पर हमें धनावेशित ऋणावेशित का कोई मतलब नहीं है, हम लेते हैं आवेश। तो किसी भी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका तल लगातार बढ़ता जाता है, और इस तल को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विभव कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तल को ही हम लोग क्या कह देते हैं, विभव कहते हैं। यानी जैसे जैसे किसी चालक का आवेश बढ़ता है, आवेश के बढ़ने से उसका तल बढ़ता है, और आवेश के तल को ही क्या कह देते हैं दोस्तों, विभव कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चालक को आवेशित करने में क्या करना पड़ता है दोस्तों, कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य क्या कहलाता है, उसकी स्थिति जो ऊर्जा कहलाता है। तो दो फिगर के थ्रू मैं दिखाना चाहूँगा आपको, एक ये चालक हो गया, तो चालक को जैसे आवेश दिया जा रहा है उसका तल बढ़ रहा है, और तल के बढ़ने का मतलब उसका विभव बढ़ेगा। तो एक फिगर मैं और भी दिखा दे रहा हूँ आपको, जनरल सा एक लाइनिंग का फिगर होगा, दो फिगर बनता है इसमें, तो आप देख लीजिएगा, एक विभव का, ये भी जो है विभव है, और ऊपर दिखा दीजिएगा कि ये क्या है, आवेश क्यू है, ये आवेश क्या है, क्यू है, इसको एक्स और वाई एक्सिस पर हम लोग दिखा रहे हैं। तो जब किसी चालक को क्यू आवेश दिया जाता है तो विभव क्या होता है, उसका बढ़ता जाता है, और कैसे बढ़ता है दोस्तों, सरल रेखीय में बढ़ता है, यानी सीधी रेखा में बढ़ता है। और इसी को अगर हम लोग नीचे अगर मान ले, तो जो यह आप देख रहे हो कि यहाँ से ओरिजिन से ओ हुआ और ये पॉइंट ए रहेगा, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिएगा कि ये है बी, तो जो ओ ए बी द्वारा जो घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है वही क्या कहलाता है दोस्तों, कार्य कहलाता है। यानी अगर हम लोग देखें तो किसी भी चालक को आवेशित करने में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है।
तो किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो पहले फिगर में आप चालक को जैसे जैसे आवेश दे रहे हैं उसका तल बढ़ रहा है, और तल बढ़ने का मतलब कि आवेश के तल को विभव कहते हैं, यानी जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसका विभव भी उस चालक का बढ़ता जाएगा। उसके बाद इसी को एक अदर दूसरे फिगर में दिखाया गया है, एक ग्राफ खींचा गया है, क्यू और भी में ग्राफ खींचा गया है कि जैसे जैसे क्यू दिया जा रहा है उस चालक का विभव लगातार बढ़ता जा रहा है, और क्यू और भी में जब ग्राफ खींचते हैं तो कैसा प्राप्त होता है दोस्तों, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जो कि किससे जाता है, मूल बिंदु ओ से होकर गुजर रहा है, और हम इसको एक ट्रैंगल मानते हैं ओ ए बी। तो जो ट्रैंगल ओ ए बी होगा इसका क्षेत्रफल ही क्या होगा, कार्य होगा, और कार्य ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि किसी चालक को आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य को ही क्या कहते हैं दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन को तैयार करते हैं, लिखेंगे किसी किसी चालक को, किसी चालक को, किसी चालक को, किसी चालक, ये आप काट दीजिए, किसी चालक को, किसी चालक को आवेशित, किसी चालक को आवेशित करने में, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ी हैंड राइटिंग डिफरेंस हो सकती है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्लियर, आप बोलते हुए भी लिख सकते हैं नोट्स जब बनाएं, तो क्या लिख सकते हैं, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी किसी भी चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य क्या होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होता है। अब चलिए फिगर के थ्रू हम लोग देखेंगे, पहले फिगर के थ्रू देखते हैं कि अगर दोस्तों आप ध्यान रखें कि अगर किसी चालक को का अगर बाई द्रव्य क्यू आवेश दिया जा रहा है तो उसका विभव क्या हो जाएगा, उसका विभव जो है भी हो जाएगा, किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले पार्ट में, लिखते हैं अब हम लोग, देखिए अब हम लोग लिखेंगे कि किसी चालक को, आप पैरा छोड़ के लिखते चलेंगे, किसी चालक को, एक सेकंड, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखना है आपको कि किसी चालक को आवेशित करने में, यानी किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है दोस्तों, भी हो जाता है, यही लिखना है, किसी किसी चालक को, किसी चालक को क्यू आवेश देने पर, किसी चालक को एक सेकंड, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, चलिए देखते हैं अब आगे, किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसका विभव
भी हो जाता है, भी हो जाता है। आप लिख सकते हैं भी हो जाता है, अर्थात अर्थात आप लिख सकते हैं अर्थात Q इक्वल्स टू सी भी, ये आप लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, सी भी। यानी किसी चालक को जैसे आवेश Q दिया जाता है उसका विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है, अर्थात Q इक्वल्स टू सी भी। अब लिखेंगे जो सेकंड फिगर है उसमें लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे चूंकि Q तथा भी में क्यू तथा भी में खींचा गया ग्राफ, क्यू तथा भी में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है। ये लिखना है, ये सेकंड फिगर की डेफिनेशन हो गई कि मतलब जो फिगर दो फिगर था ना, तो ऊपर वाले फिगर से किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसका विभव भी हो जाता है, अर्थात क्यू इक्वल्स टू सी भी। चूँकि क्यू तथा भी में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है। तो देखिए हमने एक फिगर बनाया था जो आप देख सकते हैं, इस फिगर में आप देखेंगे, इस वाले फिगर में आप देखेंगे, ऊपर में देखेंगे ये फिगर जो आप दिख रहे हैं कि जो राइट साइड में फिगर है, ठीक है ना दोस्तों, जो राइट साइड में ये फिगर है। अब इसी से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, चूंकि हमको पता है कि किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह स्थितिज ऊर्जा होता है, तो हम लोग लिखेंगे अतः चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, और कार्य क्या होगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है, चूंकि ये संपूर्ण त्रिभुज ओ ए बी है इसलिए एक बटा दो आधार, आधार क्या होगा दोस्तों ओ बी, और ऊंचाई क्या होगी ये ओ ए, तो ओ बी की जगह क्या होगा भी, और ऊंचाई की जगह क्या हो जाएगा क्यू। तो इस तरीके से हमारा टर्म क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट पे लेके चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, लिखेंगे अतः अतः पैरा छोड़ के चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर चालक की स्थितिज ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं चालक को आवेशित करने में, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। तो चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, यानी आप कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ओ ए बी का क्या होगा क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। और हमको पता है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो यू बराबर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यानी एक बटा दो
आधार, आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, लिख लेते हैं एक बटा दो आधार, आधार गुणे क्या हो जाएगी ऊंचाई, आधार गुणे क्या होगा ऊंचाई, तो ये दे देते हैं इस तरीके से ऊंचाई, तो आधार गुणे क्या हो गई ऊंचाई, तो आधार कितना है एक बटा दो हो गया, आधार कितना है दोस्तों भी है और ऊपर क्या है क्यू है, यानी स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला तैयार हुआ यू इक्वल्स टू हाफ, यू इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों हाफ हाफ क्यू भी, ये आपका एक फॉर्मूला आपने तैयार कर लिया कि जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा यू इक्वल्स टू क्या होगा हाफ क्यू भी, तो ये आपका इक्वेशन बन गया क्या एक। और जैसा कि आपको पता है कि क्यू इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों सी भी होता है, तो लिखेंगे चूंकि क्यू बराबर क्या होता है सी भी से, क्यू बराबर सी भी से, क्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों सी भी से, तो अब जहाँ समीकरण एक में क्या कर देंगे जहाँ क्यू है वहाँ पर क्या रख देंगे दोस्तों सी भी, तो इसलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं, चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं और भी, तो लिखेंगे चूंकि U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ, Q की जगह क्या होगा दोस्तों जो फॉर्मूला था Q की जगह हम लोग लिखेंगे C भी और पहले से तो भी है ही, तो क्या हो जाएगा नीचे U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ C भी स्क्वायर, तो U इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ C भी स्क्वायर, तो ये आपका इक्वेशन कौन सा बन गया दो, तो एक फॉर्मूला आपको निकल के आ गया यू इक्वल्स टू हाफ सी भी स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं चूंकि क्यू इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों सी भी होता है, इसलिए आप ये भी तो लिख सकते हैं भी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं क्यू बाई सी, तो समीकरण दो में जहाँ भी है वहाँ पर आप क्या रख दें क्यू बाई सी, तो चलिए लिखते हैं चूंकि U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ C और V की जगह क्या होगा Q बाई सी होगा, तो Q बाई क्या रख दो C का होल स्क्वायर, तो आप Q बाई सी का होल स्क्वायर रख दोगे तो क्या हो जाएगा हाफ C इंटू क्या हो गया Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा C स्क्वायर, तो C से C कट गया, तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया U इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों हाफ Q स्क्वायर बाई सी, तो ये एक और इक्वेशन बन गया आपका, तो आप देख लिए तीन इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया थर्ड, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने स्थितिज ऊर्जा के तीनों फॉर्मूलों को प्रूफ कर दिया है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप देख रहे हैं शुरू से यू इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ क्यू भी, सेकेंड में आप देखेंगे यू इक्वल्स टू क्या है हाफ सी भी स्क्वायर, और थर्ड में क्या है यू इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, शुरू से मैं दोहरा दे रहा हूँ सीधे, देखिए सबसे पहले किसी चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है कि किसी चालक उसका विभव जो होता है किसी चालक को जैसे जैसे आवेश क्यू दिया जाता है उसका विभव क्या हो जाता है दोस्तों भी हो जाता है, तो चालक को आवेश देने पर उसका तल बढ़ता है और उस तल को ही क्या कहते हैं विभव कहते हैं, क्योंकि आवेश के तल को विभव कहते हैं। जब Q और V में ग्राफ खींचा जाता है तो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जो कहाँ से होकर गुजरता है मूल बिंदु से होकर गुजरता है, और जब Q और V में ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है और हमें एक त्रिभुज OAB प्राप्त होता है, और यह त्रिभुज OAB को ही किससे डिनोट करते हैं कार्य से, और किसी चालक को आवेशित करने में आप देखेंगे यहाँ से एक सेकेंड, तो आप देखेंगे किसी चालक को क्या है आवेशित करने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो किसी चालक को और पहले फिगर को डिफाइन किया गया किसी चालक को क्यों आवेश देने पर उसका विभव क्या हो जाता है भी, अर्थात क्यू इक्वल्स टू सी भी, चूंकि Q तथा V में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो दोनों फिगर की ये व्याख्या हो गई। अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी अतः हम लोग लिखेंगे कि चालक की स्थितिज ऊर्जा
जो चालक की स्थिति, जो ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, यानी त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। और त्रिभुज स्थितिज ऊर्जा को यू से डिनोट करते हैं, तो यू इक्वल टू हाफ, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 भी इंटू क्यू, तो यू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू भी हो गया। एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ यू इक्वल टू हाफ क्यू भी, तो इसलिए क्यू इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, सी भी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं आगे। और चूंकि Q बराबर सी भी रख देना है, तो U जहाँ Q है वहाँ पर क्या रख देंगे दोस्तों, हम लोग सी भी रख दिया, हम लोगों ने सी भी रख दिया, तो सी भी इंटू भी, तो यू इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर। ये इक्वेशन दो हो गया, स्थिति ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला। और फिर चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है सी भी, इसलिए भी इक्वल टू क्यू बाई क्या होगा, सी भी क्यू बाई सी होगा। इसलिए समीकरण दो में भी की जगह क्या रख दिया गया है, क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी का होल स्क्वायर, तो हाफ सी इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी से सी कट गया इसलिए हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो यू इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हो गया। इस तरीके से दोस्तों चालक की स्थिति ऊर्जा का जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको एग्जाम में देता है कि चालक की स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसको पूरा अगर आपको डिफाइन करना है तो पूरा आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको एकदम निचोड़ स्थिति ऊर्जा का एकदम बिल्कुल निचोड़ आपको बताया गया है। आप नोट्स के तौर पर आपको डेली बेस पर आप नोट्स तैयार करें। अब हमारी कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलता रहे, ठीक है। अगर फिर भी इसमें कहीं भी आप देखें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स, ओके।